देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की की कलियर पुलिस ने 5 दिन पहले लापता हुई 5 वर्षीय मासूम को मुजफ्फरनगर के छपार कस्बे से बरामद कर लिया है। बच्ची का अपहरण उसकी माँ के प्रेमी ने ही किया था। पुलिस ने बच्चे की माँ के प्रेमी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 5 दिन पहले घर के बाहर खेल रही बच्ची का अपहरण हो गया था। बच्ची की मां ने अपने ही पति समेत 3 लोगों के खिलाफ कलियर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जब से वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है। पुलिस ने जब महिला के प्रेमी आसिफ को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि वो 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसके घर वाले बच्ची को साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। आसिफ युवती से निकाह करना चाहता था, जिसके बाद आरोपी आसिफ ने मासूम के अपहरण की योजना बनाई और उसे घर से उठाकर ले गया। बच्ची की मां के काफी तलाशने के बाद नहीं मिलने पर अपने पति समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मासूम को सकुशल बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया है। जो ये आसिफ है, क्या नाम था उसका? आसिफ। कहाँ का रहने वाला है वो? कलियर का ही। कौन है ये? ये है तो हमारे कलियर का ही, मोहल्ले पड़ोस। अच्छा, तहरीर किसके, गुमशुदगी किसके नाम से दी गई थी? तहरीर की आरोप किसके ऊपर लगा जा रहे थे पहले? जो मेरा हस्बैंड है वो निर्दोष है जी। जो 4 साल की उम्र की थी उसको, उसका अपहरण हो गया था और उसकी मां ने थाने पर अपने पति जिसके साथ उसका विवाद चल रहा है उसके विरुद्ध और 3 अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था अपहरण का। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश शुरू करने के बाद पुलिस को पाया कि वो लड़की को उसका प्रेमी, जो महिला है जिसने मुकदमा लिखाया, उसका एक प्रेमी था जो उसको उठा के ले गया और मुजफ्फरनगर एक मंदिर के पास उसको छोड़ गया था। उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। और जो महिला द्वारा जो मुकदमा लिखाया गया था अपने पति और अन्य लोगों के खिलाफ, वो उसमें झूठा पाया।